नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर समाहरणालय के समीप सरदार पटेल चौक पर जिला जनता दल यू की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह के नेतृत्व में जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती को लेकर जदयू की ओर से राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत बिहार के सभी जिले में सांसद विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिधि नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में नारा लगाकर पीएम और गृह मंत्री का पुतला जलाया गया। इसको लेकर जिलाध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति में कटौती कर उनके साथ अन्याय कर रही है और यह फैसला सरकार को वापस लेना होगा। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ने अपने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो भाजपा और एनडीए को इसका भारी खामियाजा 2024 लोकसभा चुनाव में चुकाना पड़ेगा। वहीं सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल ने कहा कि केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है, जबकि अति पिछड़ा की स्कॉलरशिप को कम करने के अलावा भी सरकार ने छात्रों और आम लोगों के खिलाफ कई कार्य किया है जो जदयू बर्दाश्त नहीं करेगी। और जल्द ही अगर इस फैसले को वापस नहीं किया गया तो आगे चरणबद्ध तरीके से उग्र आंदोलन भी होगा। इसके अलावा प्रदेश महासचिव विभूति गोस्वामी समेत कई नेताओं ने भी केंद्र सरकार के इस निर्णय की निंदा करते हुए वापस लेने की मांग की। मौके पर शेखर पांडे समेत काफी संख्या में जदयू नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हम लोग पूरे प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में पुतला दहन का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार का जो माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय गृह मंत्री है, उनका हम लोग पुतला दहन कर आज पूरे बिहार में किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ तौतलापन का व्यवहार कर रहे हैं और पिछड़ा वर्ग का जो छात्रवृत्ति है, बच्चों को पढ़ने में जो सहयोग की राशि मिलती है उसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया गया है, जो सरासर अन्याय है। बिहार के साथ ये सौतालापन का व्यवहार है। इसलिए हम लोग का मांग है कि वह जो आपने छात्रवृत्ति का अंश पिछड़ा से पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रों का जो बंद किया है आपने, उसको आप अविलंब लागू कीजिए। यह तानाशाही आपका नहीं चलेगा, यह मेरा मौलिक अधिकार है, संविधान में अधिकार है पिछड़ों को दलितों को आगे बढ़ाने का। हकमारी की बात हो रही है, किस बात की बात करें हम, चाहे मनरेगा की बात कीजिए, 18% वह भी कटौती कर दी गई है, बिजली की बात कीजिए तो जिस रेट से यूपी को बिजली मिलता है उससे ज़्यादा रेट में हमको बिजली मिलती है। अनर्थ तो तब हो गया कि अति पिछड़ों की बात करने वाले सरकार बात बात करता है कि प्रधानमंत्री अति पिछड़ा है, अति पिछड़ों की स्कॉलरशिप को अपने कोटे का बंद कर दिया। आखिर क्यों बिहार, आखिर कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोग बिहार के लोग जो इनकम टैक्स देते हैं उसी का तो अंश कट के बिहार जाता है, केंद्र सरकार अपने घर से लाकर नहीं देता। थोड़ा सा मोबाइल। नाथनगर दोगच्छी चेक पोस्ट के पास हुई सड़क दुर्घटना में अरैया की ओर जा रहा बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद ट्रक रोड किनारे स्थित गड्ढे में जा गिरा। बताया जा रहा है कि फोर लेन सड़क बनाने के लिए NH-80 के दोनों तरफ 4 फीट का गड्ढा किया गया था, जिसके कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हो रही थी। वही ट्रक चालक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि 12 चक्के वाले ट्रक में बालू लोड कर वह जा रहा था, तभी रोड के दोनों तरफ बने गड्ढे के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के क्रम में ट्रक मोड़ते ही उसका चक्का धस गया, जिससे ट्रक पलट गया। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है, जबकि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। ये दोनों तरफ रोड खाना था। अच्छा, कहाँ पे हुआ ये घटना? दोगच्छी बाईपास पे, चेक पोस्ट के समय ना। अच्छा, तो मतलब कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे अररिया। अररिया, उसमें क्या लोड था गाड़ी में? क्या लोड था गाड़ी में? बालू है। बालू है, ओवर लोड था क्या? अंदर लोड था। अच्छा, तो किस तरह से ये मतलब कैसे हुआ आपका? मतलब एगो मोटरसाइकिल बजाने का जब इधर ठेला था लगा। अच्छा, उधर हम देना जैसे काटे उधर से रोड धस गया।
भागलपुर अकबरनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आलमपुर मस्जिद के समीप स्कूली बच्चों को ले जा रहा टेम्पो पलट गया, जिससे आधा दर्जन बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना में एक 7 वर्षीय बच्चे की जान चली गई, जबकि इसकी जानकारी मिलते ही वहां आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई और आनन फानन में घायल बच्चों को इलाज के लिए पास के रेफर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं घटना की जानकारी स्कूल प्रशासन को मिलने पर स्थानीय पुलिस और परिजन भी अस्पताल पहुंचे और बच्चों को इलाज करवाया। हालांकि एक बच्चे की मौत से इलाके में माहौल पसर गया है। वहीं घटना के बाद लोगों ने मुंगेर सुल्तानगंज NH-80 मुख्य मार्ग पर जाम करके मुआवजे की मांग की, लेकिन जाम की सूचना मिलने पर सर्किल इंस्पेक्टर रतनलाल ठाकुर और अकबरनगर पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को शांत कराकर काफी मुश्किलों के बाद जाम पर काबू पाया। हालांकि परिजनों को मुआवजे का आश्वासन देकर माहौल शांत करवाया गया। जानकारी फोन किए बाहर में थे हम दौड़ी करने के लिए। क्या बोला? बोला कि एक्सीडेंट हो गया है। कौन है ये आपका भतीजा है? क्या नाम हुआ इसका? अभिराज कुमार है। अभिराज, इसका पापा का नाम क्या है? बंटी यादव। कहाँ गया था बच्चा? कहाँ? स्कूल पढ़ने के लिए। कौन सा स्कूल? ABS निकला था। कितने बजे निकला था बच्चा? कितने बजे घर से निकला था बच्चा? हाँ सर, 7-8 बजे निकला था। गाड़ी से? हाँ। कौन गाड़ी था? ऑटो से। ऑटो से कहाँ पे पलट गया था? हाँ। कहाँ पे पलटा? कोठी के पास थी, मस्जिद के पास। मस्जिद के पास पलट गया। कितना बच्चा था उसमें गाड़ी में सवार? लगभग होगा 5-7 होगा। तो सब बच्चा घायल है कि सिर्फ यही? थोड़ा बहुत सा बच्चा घायल है। अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इकाई कैंसर सेंटर कोलकाता की ओर से एक सकारात्मक पहल की गई है, जिसके तहत अब भागलपुर में कैंसर जैसे जानलेवा बीमारी से बचाव के साथ इससे पीड़ित लोगों को भागलपुर में ही जरूरी इलाज और परामर्श की सुविधा मिल सकती है। दरअसल शनिवार को कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर एंड ट्यूमर वार्ड द्वारा भागलपुर के मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहली बार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोलकाता अपोलो कैंसर केयर के कई विशेषज्ञ चिकित्सकों ने लोगों को कैंसर के इलाज से संबंधित चिकित्सीय परामर्श दिया। इसको लेकर शहर के एक होटल में कोलकाता अपोलो हॉस्पिटल कैंसर सेंटर की टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्यूमर वार्ड के कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल ने बताया कि भागलपुर और आसपास के लोगों को कैंसर के इलाज के लिए बाहर जाने की बाध्यता कम हो जाएगी, क्योंकि अपोलो कैंसर सेंटर कोलकाता इस गंभीर बीमारी के इलाज के लिए एक पहल कर रही है, जिसके तहत अब एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट भागलपुर में ही कैंसर से संबंधित जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि इस ट्यूमर वार्ड में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डायरेक्टर डॉक्टर तनवीर अहमद, कंसल्टेंट क्लिनिकल हेमटोलॉजिस्ट एवं BMT में हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी के अलावा वे खुद भी शामिल है। वहीं BMT विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी ने कहा कि ट्यूमर वार्ड OPD की स्थापना से कैंसर मरीजों को इसके उपचार में काफ़ी सहूलियत होगी, जबकि अलग विशेषज्ञ डॉक्टर भागलपुर में ही समय समय पर जांच शिविर लगाकर मरीजों को उचित इलाज और परामर्श देंगे। इसके अलावा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर तनवीर शहीद ने कहा कि अक्सर दूर दराज से मरीजों को कैंसर जैसी बीमारी के इलाज के लिए बड़े शहरों में जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए अपोलो कैंसर सेंटर कोलकाता ने OPD शुरू कर कैंसर पीड़ित की सेवा और इलाज के विस्तार के लिए एक शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण इलाज प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है, जबकि इस बीमारी से लोगों की होने वाली मौत की संख्या में कमी लाना भी उन सभी का प्रयास होगा। साथ ही तीनों ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा कि कैंसर का पता अगर समय रहते चल जाए तो ज़रूरी इलाज और सावधानी से मरीज की जान बचाई जा सकती है, जिसके कई उदाहरण देश में ही मौजूद है। मौके पर अपोलो के सुकांत पाइक और मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। पूर्ववासियों के लिए कैंसर बीमारी से निजात पाने के लिए मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता दोनों ने एक संयुक्त प्रोग्राम ट्यूमर बोर्ड की सृष्टि की है, जिसके माध्यम से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, इनके साथ एक साथ डॉक्टर्स बैठ के यहाँ के पेशेंट्स को देख के सलाह देंगे। पेशेंट को ट्रैवल करने की भी ज़रूरत नहीं है और एक साथ कैंसर के सारे विशेषज्ञ बैठ के उनके लिए क्या सही सलाह है, क्या क्या करना चाहिए, उनको पूरा पथदर्शन और उनको उनके ट्रीटमेंट से कैंसर से निजात दिलाने। बेसिकली हम लोग कैंसर जो एक बीमारी है कोई एक डॉक्टर उसको इलाज नहीं कर सकता, इसमें मल्टी स्पेशलिटी की जरूरत पड़ती है। कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, उसके बाद सर्जरी हो गया, डायग्नोस्टिक पार्ट भी होता है।
तो हम लोग का मुख्य कारण है यहाँ पर आज आने का कि जो मरीज होते हैं उनको हम लोग सही गाइडेंस दे पाए कि एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं तो किस स्टेप पे उनको कैसे जाना है, पहले डायग्नोसिस के लिए क्या क्या टेस्ट करनी है, उसके बाद उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी या रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी या कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी या तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, उस तरह से हम लोग मरीज को गाइड करने का हम लोगों ने प्लान बनाया है कि यहाँ पर हम लोग आएंगे एटलीस्ट मरीज को हम लोग सही रास्ता दिखा पाएं कि एग्जैक्ट करना क्या है, कि अगर सिर्फ एक डॉक्टर आएंगे तो अपने स्पेशलिटी का बात कर सकते हैं। बिहार राज्य में सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टीपर्पज असिस्टेंट संघ द्वारा टीआरसीसी सेंटर में 4 दिवसीय हड़ताल किया गया। बता दें कि बीएसईएफसीएल कार्यालय में कार्यरत एसडब्ल्यूओ और एमपीए के संयुक्त संगठन द्वारा 4 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई थी। इसको लेकर हड़ताल कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रतिरोध जाहिर करते दिखे। इस दौरान सभी हड़ताल कर्मी हरे रामा हरे कृष्णा भजन और भोजपुरी गीत गाकर अपनी वेदना जाहिर कर रहे थे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम चक्रपाणी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता में कार्यरत हूँ। हम लोग 18 मार्च 2023 को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भागलपुर में आ रहे हैं अपनी टीम के साथ, और कैंसर रिलेटेड समस्याओं के बारे में सुनेंगे और सुझाव देंगे। मेरा स्पेशलिटी ब्लड और ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, लाइक थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, लो प्लेटलेट का काउंट, लो हीमोग्लोबिन, उससे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में हम सुझाव देंगे। कुछ कैंसर जो कि कीमोथेरेपी से ठीक नहीं होता है उस कंडीशन में हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, थैलेसीमिया का बीमारी के लिए ट्रांसप्लांट करते हैं, इसके संबंधित भी आप लोग को जानकारी देंगे। तो हमारा आग्रह है और सुझाव है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में आइए ताकि हम लोग आप लोग के साथ बैठकर और इंटरेक्ट करके आप लोग के समस्या का समाधान कर सकें। नमस्ते दोस्तों, कैंसर सुन के सब डर जाते हैं ना, और कैंसर बढ़ते जा रहा है सबको मालूम है, और भागलपुर जैसी जगह में जब कैंसर सुनते हो तो आप तुरंत शहर की तरफ दौड़ने का सोचते हो। आज आपके लिए खुशखबरी की बात है, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कलकत्ता आपके लिए कैंसर की पूरी टीम, यस दोस्तों पूरी टीम, मेडिकल सर्जिकल रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट को लेके 18 तारीख को मंगलम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपकी दुविधा को दूर करने के लिए आ रही है। कोई भी शंका हो, सेकेंड ओपिनियन हो, कुछ भी आपको डिस्कस करना हो, एक छत के नीचे ऑल स्पेशलिस्ट आपके लिए भागलपुर में आ रहे हैं। मैं डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल, सीनियर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मिलते हैं आपसे 18 तारीख को भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव शुक्रवार को भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छात्र कार्यकर्ताओं के साथ शिक्षा क्रांति और कर्तव्य को लेकर संवाद किया। संवाद कार्यक्रम के दौरान भाजपा और उपेंद्र कुशवाहा की विरासत बचाओ नमन यात्रा पर तंज कसते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जो पेंडुलम की तरह इधर से उधर होते रहते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा किस तरह की विरासत बचा लेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश जी ने उन्हें बुलाया तो भाजपा को वे गाली देते रहे, फिर बेटा क्रिया खाने लगा और अब केंद्र से सुरक्षा मिल गई तो विरासत यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोजपा रामविलास के नेता चिराग पासवान के पिता की मूर्ति तोड़ने की बात कहते हुए कहा कि अब उनके बेटे को भी केंद्र से सुरक्षा मिल गई है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर में अपनी विरासत यात्रा के तहत भागलपुर पहुंचे थे, जिसको लेकर पप्पू यादव ने कुशवाहा को जमकर खरी खोटी सुनाई। कौन चीज का विरासत, जब बिहार के 14 करोड़ की कोई विरासत नहीं, 6,000 है, जब आप मंत्री और एमपी एमएलए रहते हैं, ये लोग अपनी राजनीति, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अहंकार, आप इन ऐसे लोगों की बात क्यों कर रहे हैं, कहां से ये मुद्दा आ गया, ये इनको कब कब सर, हमको तो समझे में नहीं आता। सबको अधिकार है सब जगह जाने का, वो 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 नीतीश अपनी विरासत का क्या मतलब, वो कहता बेटा क्रिया खा लीजिए, कभी वो ठीक कभी वो ठीक, सुरक्षा मिल गया केंद्र से, उनकी यही विरासत थी, सुरक्षा केंद्र से मिल जाए,
और उनकी विरासत क्या थी, ऐसे लोग का क्या विरासत होता है, केंद्र के पास क्या है, या तो आईबी या तो सीबीआई या तो ईडी या तो चुनाव आयोग या तो ये लोग बिना पेंडुलम के हैं, कोई अपना जमीन जगह पाक पगा नहीं। नीतीश कुमार जी लाए, फिर भाजपा में गए, भाजपा ने निकाल दिया। नाथनगर के नूरपुर स्थित युवा चेतना क्लब की ओर से पूर्व जिला परिषद सदस्य डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के पिताजी सतीश चंद्र यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, डॉक्टर त्रिपुरारी कुमार और हिमांशु शेखर ठाकुर समेत कई लोग शामिल हुए। इस दौरान 50 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया, जिसमें कई महिलाएं और युवतियों ने भी भाग लेकर रक्तदान किया। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ब्लड बैंक की टीम शिविर में सभी की जांच कर रक्त संग्रह किया। इस दौरान पहली बार ब्लड डोनेट करने वालों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। मौके पर नवीन कुमार, नवीन महेंद्र कुमार मंडल, प्रिया राज, रिया कुमारी समेत कई लोग और ग्रामीण मौजूद रहे। निश्चित तौर पर आज युवा चेतना परिवार के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था और आज निश्चित तौर जैसा कि आपने सुना, पूर्व सांसद बुलो मंडल साहब ने बताया कि आज मेरे पिता दिवंगत आत्मा सतीश चंद्र यादव का पुण्यतिथि है, उसी के अवसर पर युवा चेतना क्लब ने पूरे परिवार ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने सुना, सभी जानते हैं कि रक्त किसी फैक्ट्री या कंपनी में नहीं बनाया जा सकता, अभी दीपांकर राव भी बता रहे थे, और रक्त को हम और आप जैसे युवा साथी या जो भी रक्तदाता हैं, वही रक्तदान दे करके किसी के जीवन को बचाने का काम कर सकते हैं। भागलपुर में श्री दादी जी सेवा समिति की ओर से शनिवार को 13वें बसंत उत्सव को लेकर रानी सती मंदिर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली, जो नगर भ्रमण करते हुए गौशाला परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल पहुंचकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया, जिसमें सभी श्रद्धालु रानी सती दादी जी के भजन और जयकारा पर जमकर झूमते और थिरकते दिखे। वहीं इसके बाद गौशाला परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल दादी जी का मंगल पाठ और अखंड ज्योत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां समिति और दादी सेना के द्वारा नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान पूरा माता रानी सती के भजन और जयकारे से गूंजता रहा और वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योत की आहुति देकर पूजा अर्चना की जबकि अलग अलग कार्यक्रम में सभी दादी जी के भक्त झूमते दिखे। इसके अलावा बाहर से आए कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकार और महिलाओं ने भी भक्ति नृत्य नाटिका की प्रस्तुति दी। बता दें कि 2 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में रविवार को चरण पादुका का सवामन दूध और सिंदूर से अभिषेक किया जाएगा, जबकि भजनों की अमृत वर्षा के साथ कई कार्यक्रम और महाआरती के साथ उत्सव सम्पन्न होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।